आज की वीडियो में हम आपको हाईकोप ड्रॉप के बारे में जानकारी देंगे जो कि छोटे बच्चों के लिए होता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इस ड्रॉप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, इसके कंपोजिशन, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको हाईकोप ड्रॉप के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो हाईकोप ड्रॉप, इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो इसकी मार्केट प्राइस 57 रुपये है और यह 15 ml की पैकिंग में आता है। समय के साथ साथ इसकी मार्केट प्राइस कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसके कंपनी की बात करें तो इसको लाइफ स्टार कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें हाइड्रोक्सीजन हाइड्रोक्लोराइड होता है जो कि 1 ml में 6 mg होता है। और आइए जान लेते हैं हाईकोप ड्रॉप के यूजेज के बारे में, इसका इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो यह एक एंटी हिस्टामिन ग्रुप की दवा है। इसका इस्तेमाल एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो किसी भी कारण से अगर बच्चे के शरीर में एलर्जी हो गई हो, खुजली हो रही हो, दाने निकल गए हों, लाल चकत्ते हो गए हों, त्वचा में लालीपन या सूजन आ गया हो, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर एलर्जी के कारण सर्दी जुकाम की समस्या हो, नाक से पानी बह रहा हो, आँख से पानी निकल रहा हो, खांसी आ रही हो, बार बार छींकें आ रही हों, तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक्जिमा, सोरायसिस, डर्माटाइटिस, इन सब को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी कारण से अगर बच्चे को एलर्जी हो गई हो, चाहे वो किसी दवा को खाने से हुआ हो, या कीड़े को काटने से हुआ हो, या धूल मिट्टी में खेलने से हो गया हो, तो एलर्जी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद कंटेंट्स हमारे शरीर में एलर्जी की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार प्राकृतिक पदार्थ हिस्टामिन को रोकने का काम करता है, जिससे कि एलर्जी ठीक हो जाती है। तो आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, हाईकोप ड्रॉप को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस ड्रॉप का जो डोज होता है बच्चे के एज, वेट और कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होता है। इसके नॉर्मल डोज की बात किया जाए पर केजी पर डे की, तो इसको 0.6 mg पर केजी पर डे बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। अगर किसी बच्चे का वजन 10 kg है तो उसको 6 mg पर डे दिया जाएगा। इसको डिवाइडेड डोज में देना होता है। तो इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले लें, तभी इसका इस्तेमाल करें। और डॉक्टर आपको जितनी मात्रा में कहें उतनी ही मात्रा में इसका इस्तेमाल करें। और आइए जान लेते हैं हाईकोप ड्रॉप के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट जिमस लाना, उल्टी होना, इसके अलावा अपच हो सकता है, दस्त हो सकता है, सर दर्द होना, नींद आना, आलस आना और मुंह सूखना, चक्कर आना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सभी को नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी हाईकोप ड्रॉप के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।